तो इस लेटरल एंट्री के मुद्दे पर जो आलोचना का सामना पूरे विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ा, और तो और अपने ही घटक दल, अपने ही साथ जुड़े हुए चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की तरफ से जो उनको आलोचना झेलनी पड़ी, अब नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ गया कि 400 पार तो दूर की बात है, 300 पार भी नहीं, बल्कि 272 पार भी जब आप अपने दम पर नहीं कर पाए तो आपको अपना अहंकार ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। पिछले हफ्ते तक जिस लेटरल एंट्री के फैसले को इनके सभी लोग कूद कूद कर, उछल उछल कर उसकी खूब तारीफ कर रहे थे, फिर चाहे उनके सब गोदी हों, भक्त हों, समर्थक हों या फिर इनके अपने मंत्री हों, उन सबको मुंह की खानी पड़ गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही खुद कह दिया भैया टर्न लो। यूपीएससी को लिखा है कि अपना जो विज्ञापन दिया था लेटरल एंट्री के बारे में कि ब्यूरोक्रेसी में अब लेटरल एंट्री होगी, और उसके विज्ञापन आप दे रहे थे, उन सबको वापस ले लीजिए, क्योंकि कोट अनकोट परेशानी झेलनी पड़ जाएगी भाई, देश भर में कई सारे चुनाव आने वाले हैं। अभी एनडीटीवी के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ, अब तो खैर एनडीटीवी भी कैसी खबरें दिखाता है आपको, लेकिन तब भी मैं उनके ही खबर आपको दिखाती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट टुडे रिक्वेस्टेड द यूपीएससी टू विड्रॉ इट्स एडवर्टाइजमेंट फॉर लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। यूपीएससी ने लास्ट वीक ही इशू किया था ये एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स की जरूरत है ताकि वो लेटरल रिक्रूटमेंट कर सके वेरियस सीनियर पोजीशंस पे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। आपको पता है ये पोजीशंस कैसी थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी, 24 मिनिस्ट्रीज में ऐसी पोजीशंस थी जिसमें कि टोटल 45 पोस्ट थी जो कि इस तरह से रिक्रूट कराना चाहते थे। लेटरल एंट्री मतलब सीधा भर्ती, और इसको सीधा विपक्ष ने कहा कि ये एक तरह से दलितों पर अटैक है, हमला है, क्योंकि आप एक तरह से इसमें रिजर्वेशन का तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को अब जब इसको यूटर्न लेना पड़ा तो उसमें सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन के सोशल जस्टिस के साथ आपकी लेटरल एंट्री का जो प्रोसेस है वो अलाइन होना चाहिए, ये कहते हुए यूटर्न लेना पड़ा, सोशल जस्टिस जैसे शब्द को रखना पड़ा, क्योंकि इसी पर तो सबसे बड़ा हमला कर रहे थे नरेंद्र मोदी। और पहले ही जब इस बार 240 पर पहुंचे तो उसका एक बहुत बड़ा कारण तो यही था कि संविधान खत्म करना चाहते हैं, और विपक्ष को और भी ज़्यादा मौका दे दिया ये साबित करने में कि देखिए किस तरह से संविधान को ख़त्म करने की ये कोशिश थी इनकी, जिसको हमारी वजह से अब खत्म करना पड़ा है, जिसको जिसका यूटर्न जो है वो सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। चिराग पासवान को भी कई सारी मीटिंग करनी पड़ी, समझाना पड़ा कि भैया ये सब चीज़ें मत कीजिए, वो भी समझते हैं ना, बिहार में इनके अलाए हैं और समझते हैं। देखिए कम सीटें होने के बाद भी, कम लोग, कम उनके सांसद इनके साथ जुड़े होने के बावजूद, जब आपकी सीट 272 मतलब कि मिड जो आपका हाफ वे मार्क है वो भी क्रॉस नहीं कर पाती, तो आपको उन लोगों की भी बात सुननी पड़ती है, जानते तो हैं ही आप ये बात। चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा इशू उठाया और उन्होंने कहा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि सारा विपक्ष भी उठा रहा था, लेकिन विपक्ष की तो नहीं कहेंगे ना कि जी हम विपक्ष की बात मान रहे थे, तो जी चिराग पासवान का इशू ये था कि आप जो हैं, आप सोचिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कहीं पर रिजर्वेशन नहीं होता, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है, और वहां पर भी अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसे खत्म कर देंगे, तो ये बहुत खराब चीज हो जाएगी और इसके अंदर कोई भी इफ एंड बट नहीं हो सकता है। वहीं पर अब मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। लगभग एक घंटा पहले राहुल गांधी का इस मुद्दे पर ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे, भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव क्या बोलते हैं सुनिए जरा। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है, साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी, वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। अखिलेश यादव ने अपने 2 अक्टूबर का जो उन्होंने आंदोलन का आह्वान किया था उसको भी खत्म करने की अब बात कही है, क्योंकि इसी के ऊपर था तो अब ये वापस ले लिया। नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना पड़ा है। वहीं पर देखिए वो क्या लेटर है, वो लेटर की कॉपी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और अरविंद गुणसेकर जो कि पत्रकार हैं, वो ट्वीट करके लिखते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने यूपीएससी को विड्रॉ करने के लिए, अपना विज्ञापन विड्रॉ करने के लिए कहा है। राहुल गांधी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स ने इसको अपोज किया था, इसका विरोध किया था, इस पूरे रिक्रूटमेंट को, ये कहते हुए कि एक पूरी तरह से सोशल जस्टिस के खिलाफ है।
वहीं सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, एक बार फिर संविधान की जीत हुई, लेटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती के फैसले पर रोक लगी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी समेत समूचे विपक्ष के पुरजोर विरोध ने सरकार को फैसला वापस लेने पर मजबूर किया। सामाजिक न्याय और आरक्षण पर किसी भी तरह का हमला हम नहीं होने देंगे। मोदी जी, बेकार का क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ ये पूरी साजिश जो अब बेनकाब है, वो आपकी नाक के नीचे रची गई। तरस आ रहा है मोदी जी के मंत्री, सांसदों, प्रवक्ताओं, ट्रोल, भक्तों और मीडिया के चरण चुंबक जो इसको कल तक कूद कूद कर सही ठहरा रहे थे, बेचारे निरुत्तर हैं अब। सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल, मैं इसका एक आपके सामने एग्जांपल देती हूँ। अश्विनी वैष्णव, जो कि सिर्फ दो दिन पहले तक, 18 अगस्त तक, अपने ये जो लेटरल एंट्री का फैसला था, इसको कितना सही, ट्रांसपेरेंट और फेयर बता रहे थे। देखिए, ट्वीट करके लिखते हैं, आईएनसी की हिपोक्रेसी एविडेंट है लेटरल एंट्री के मुद्दे पर। यह तो यूपीए की सरकार थी जिसने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल एंट्री। द सेकंड एडमिन रिफॉर्म्स कमीशन एआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005 अंडर यूपीए गवर्नमेंट, श्री वीरप्पा मोइली जब उसके चेयरमैन थे। यूपीए पीरियड में एआरसी रेकमेंड कर चुकी है कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए कुछ एक्सपर्ट्स का, ताकि उन गैप्स को फिल किया जा सके जहां पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग चाहिए। एनडीए गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंट मेथड क्रिएट किया है ताकि इस रेकमेंडेशन को लागू किया जा सके। रेकमेंडेशन जो है वो यूपीएससी के थ्रू ही किए जाएगी, जिसमें कि ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीका होगा। ये रिफॉर्म जो है, ये तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए है। और दो दिन बाद ही जब ये समझ में आया और ये बताया गया अंदर ही अंदर, नहीं भैया, गवर्नमेंट चली जाएगी, गवर्नेंस इंप्रूव तो दूर की बात है, हमारी सरकार गिर जाएगी, तो अब ये क्या करें, अपनी कही हुई बात तो वापस ले नहीं सकते हैं, वो तो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। तो ये लिखते हैं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये फर्मली बिलीव किया है सोशल जस्टिस में। उनके जितने प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा वीकेस्ट सेक्शंस ऑफ आर सोसाइटी, हमारे समाज के जितने पिछड़ी जातियां हैं उन सब लोगों के लिए, जितने पिछड़े सेक्शंस हैं उन सब लोगों के लिए एक एडवांस वेलफेयर आपके सामने रखती है। ये जो डिसीशन है कि अलाइन किया जाए लेटरल एंट्री को रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स के साथ, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो सोशल जस्टिस के लिए कितने कमिटेड हैं। दो दिन पहले तक नहीं थे, एक दिन पहले तक भी नहीं थे, अचानक से जब ये आवाज उठी अपने ही अंदर से, अपने एलाई की तरफ से भी, विपक्ष तो इसको उठा ही रहा था, सीटें 240 है पता है, समझ में आया कि भैया और ज्यादा नीचे गिर जाएगी। आने वाले समय में राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी सरकार गिर जाएगी, ये सोशल जस्टिस का मामला है। इसीलिए अपने फैसले को वापस करते हुए, यूटर्न लेते हुए सोशल जस्टिस जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा नरेंद्र मोदी को। अब ये देखिए, एक बड़ी बात जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि सावधान हो जाइए, बीजेपी की राजनीति देश से खत्म करिए, वरना आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला तात्कालिक दिखावा है, 4 राज्यों के चुनावों के बाद आईएएस में आरक्षण खत्म होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये तो अब सीधे चुनावों के बाद खत्म कर देंगे। जैन साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक एक रैलियों में, सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया, और यही कारण था कि बीजेपी 240 पे रुक गई। 400 तो छोड़िए, अगर 300 भी आ जाता तो आज भारत का संविधान खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया, चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए
लेटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? तो इसलिए जरूरी है जागना, देश को जगाना। आज मजबूरी में आप सब ने इतना हल्ला मचाया, तो मजबूरी में अभी यह पता चल रहा है कि फौरी तौर पे लैटरल एंट्री करने का आदेश रद्द किया जा रहा है। लेकिन सावधान रहिएगा, मकसद है आरक्षण को खत्म करना। और एक एक चीज का हिसाब मांगिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 18,000 से 20,000 पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरी मारी गई, जिसमें अब राहत मिली कोर्ट से। क्या हुआ विश्वविद्यालयों के मामले में? देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% 90% एससी एसटी ओबीसी के, और यहां तक कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं, वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। जब तक बीजेपी रहेगी, आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार रहेगा। तो क्या लगता है आपको, देखिए इस बार भी जो चुनाव के नतीजे आए, वो उन नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी को ये तो समझ में आ ही गया है कि जो संविधान खतरे में है वाली बात उनके खिलाफ काम की है, और ऐसा करके अब जो ये ऐसे लेटरल एंट्री वाली बात लेकर आ रहे थे, इससे तो और भी ज्यादा वो मौका दे देते हैं विपक्ष को अपनी यही बात को साबित करने का, आने वाले समय में उनके लिए नुकसान हो सकता है। नरेंद्र मोदी को ये भी समझ में आ गया है कि अहंकार में अब तो नहीं जीत सकते हैं, अब तो उनको लोगों की सुननी पड़ेगी, अपने आसपास के जितने घटक दल हैं उन सबकी सुननी पड़ेगी, विपक्ष की भी सुननी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लेटरल एंट्री जैसा फैसला है, इसके यूटर्न में किन किन मुद्दों ने काम किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सत्यमेव जयते, क्योंकि आपकी जीत है।